श्री चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी पाद के जो बताया था सना सनातन कविराज गोस्वामी पाद वही बात था, वही बताया। जीवे दया नामे रूप की वैष्णव सेवन यह वही धर्म नहीं सना सनातन। जिनके करना करने के लिए दया करने के लिए, मैं तो सारे के सारे आदमी दया करने के लिए हाथ उठाया ना, जिसको पैसा नहीं पैसा देता है, अरे ले ले लो पैसा ले लो, कपड़ा नहीं अरे ले लो ले लो, फटा कपड़ा छोड़ दो नया कपड़ा ले जाओ, जिसको भूमि नहीं उसको भूमि देता हूं, अरे ले जाओ भूमि ले लो, जो कुछ नहीं उनको देता हूं, मैं कितना बड़ी दाता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ये दाता का अच्छा नहीं बताया, नहीं तुम खाना खाना नहीं खाना देता है, दो घंटा बाद फिर खाना मांगेगा कि नहीं, कपड़ा नहीं कपड़ा, दो दिन के बाद फिर कपड़ा मांगेगा नहीं, जो कुछ देना दो दिन का बाद फिर जरूरत होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, देखो ये संसार में जो कुछ है किसी को देना तो ये बड़ी बात नहीं, जो बताया साधु संत को जो बताया ना, समय तो कम है लेकिन बहुत अच्छी तरह से बताया। इस संसार में जो शब्द है ये तीन तीन प्रकार शब्द है, एक रूढ़ी शब्दों, एक जोगिक रूढ़ी शब्दों और एक जोग रूढ़ी शब्दों, और उसको बाद अग्ररूढ़ी और विद्युत रूढ़ी। एक एक शब्दों को विश्लेषण करना तो कहां 10 मिनट कहां भाई पता नहीं लगेगा, लेकिन सुनना चाहिए भाई। अच्छा बताया लागो हस्तारी, ये बात नहीं है, यहां से क्या एकदम दाल लबड़ा खिचड़ी कचौड़ी पपड़ी नहीं, संत का वचन जीवन के सुधारने के लिए जो वचन वही ले जाना चाहिए। संत हमारा विष्णु महाराज बड़ा दाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो बताया जिनके करना दया, दया मतलब देखो संसार में जितना जो आदमी है ना केवल खाना पीना करना और आराम से मौज करना यही तो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को पलट के एक स्वभाव अपनाओ, भगवान की शरण लेना, भगवान का नाम लेना, भगवान का पूजन करना, संत को सेवा करना, यही है तुम्हारा धर्म, यही है तुम्हारा कर्तव्य, यही है दया। ए महाराज इसीलिए परिक्रमा बनाया, इसीलिए जुगो किया, इसीलिए मठ बनाया, इसीलिए सबको बुलाया, इसीलिए भंडारा लगाया, उनका कितना ऊंचा दीन है। केवल एक ही दया करना तो किसी को एक डायरेक्ट दया करना चाहिए, भगवान का भजन करना, भगवान का मन लगाना, भगवान में दीन हो जाए तो इससे बड़ा दया और कोई नहीं। एक एक केवल श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के नहीं, सारा संसार में जितना आदमी है सबको बताया और दया केवल बताया नहीं, और बीच में रह गई जीव दया नामे रुचि और विष्णु सेवन। कभी मौका मिल जाएगा तो दो बात बाद में बताऊंगा, घंटा बार बार लग रहे आज हमारा सीमित समय में विश्राम दे समय 10 मिनट का महाराज राधिकाय कृष्णाय
कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं परमानंदम तिथि भाव भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह सुगंध ज्ञान त्रिलाल कृष्ण विष्णु का विष्णु स्मृति दैत माधव स्वामी भगवान जी के पावन से चरण असंख्य कोटि शास्त्र किसे चरणों में असंख्य धन्यवाद अर्पण करता हूँ। परम पूज्य चरण ओम विष्णु पाद भक्ति जीवन आचार्य स्वयं के चरणों में असंख्य धन्यवाद प्रणाम अर्पण करता हूँ। कृपा प्रदान करता हूँ तो अन्य त्यजन यतिवृंद वैष्णव मंडली भगवत तथा से भक्त मंडली मातृमंडली सभी की आयता जो भाई बहुत शक्ति कृपा अर्पण करता हूँ। मेरे पास तो कोई भाषा नहीं है इन वैष्णव जनों के किन शब्दों के द्वारा धन्यवाद अर्पण कर दो। भगवान सिंहदेव की कथा विश्व मंगल करने वाली है और ऐसे वैष्णव जनों में खुशी स्वयं उद्गीरित हो रही है। दूसरी बात है वैष्णव में हृदय में क्या है देखिए उनके हृदय में क्या है कैसे कर ले हृदय में जो है उनकी बात बोल रहे और कुछ नहीं। इन लोग के हृदय में अगर विषय की बात करना होता तो विषय की बातें किंतु है भगवान श्री कृष्ण मंदिरों से भगवान श्री कृष्ण की कथा और कथा को सिद्धांत जिसे फाउंडेशन बनता है भक्ति का फाउंडेशन बनाने वाला इसे सो सिद्धांत को सबसे ज्यादा जरूरत। जब तक सिद्धांत को बोध नहीं होगा तब तक किसी भी कीमत हरिभक्ति का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है। भगवान में श्रद्धा बनेगी नहीं जरूरत है सिद्धांत और सिद्धांत शास्त्रों का वास्तविक सिद्धांत है तो वैष्णव जनों के पास सुरक्षित है किसी का अधिकार नहीं कि छीन ले भागवत पढ़ने में जान जाएगा बिल्कुल अधिकार नहीं भागवत पूरा कंठस्थ कर सकता है गीता कंठस्थ कर सकता है वेद उपनिषद कंठस्थ कर सकता है पढ़ नहीं पाएगा। अपने बलबूते पर कैसे भी लिख पाएगा और दूसरे जो वैष्णव नहीं है अवैष्णव के मुख से शास्त्र सुनेगा तो बिल्कुल ही नहीं बोला है। लेकिन जब तक वैष्णव संघ नहीं होगा तब तक गीता पढ़ता पढ़ता गीता के पट्टे फाड़ देंगे जीवन गमा लेंगे लेकिन गीता का एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा एक अक्षर आधा अक्षर भी समझ में नहीं आएगा। चाहो भागवत करो वैष्णवी रिश्ता एकांत आश्रय करो कृष्ण चरण है। तुलसी कहता है कहते हैं कि बिनु सर्द सन्न विवेकन होई राम कृपा बिनु सुलभ सोई। वैष्णव संबंध के बिना ये सब चीज किसी को मिलने वाला नहीं होती। इस समय हरिदास ठाकुर अनित्यानंद प्रभु जी गए थे जगत उद्धार करने के लिए हरिनाम प्रचार करने के लिए और प्रचार करते करते जगाई बधाई का मुकाबला हो गया और जगाई बधाई अनित्यानंद जी हरिदास जी को मारने के लिए डंडा लेके भरा। हरिदास ठाकुर जी नित्यानंद उसे दौड़ते दौड़ते किसी प्रकार भाग के बाद अपनी जान बचा के आए।
चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आकर के बोला, प्रभु जी हम तो प्रचार करने के लिए गए तुम्हारा नाम और ये हालत हो गया। बार बार हम बच के आए, मुश्किल से हम धन बच के लाए। तो महाप्रभु ने बोला, तुम लोग उनके पास क्यों गया? तुम्हें पता नहीं जगह मैंने बहुत बड़ा उग्रवादी राक्षस है, उनके पास नहीं जाना। उन्होंने कहा, प्रभु आप क्या प्रतिज्ञा करके आए हो कि पापियों को उद्धार नहीं करेंगे? ये आपकी बहादुरी है, आपको कौन बोलेगा बहादुर है? अगर वो छोड़ दिए अगर आप पति कौन कैसे ना बड़े नाम है, क्या पति पवन नहीं हो, नहीं होगा आपका पति पवन नाम कट जाएगा। चेतन उन्होंने घोषणा कर दी, भैया वो सुन लो, भक्तजनों सुन लो, दो चार दिन के भीतर देख लोगे जगह मिले तुम्हारे बीच में आकर के कीर्तन कर रहा है, हरि नाम कर रहा है, नितान निगाह पड़ गई है, चिर पर वैष्णव की निगाह पड़ेगी, उनका उद्धार होगा ही। जब वैष्णव संगति नहीं मिलेगा, वैष्णव संपर्क नहीं होगा, तो किसी कीमत जीव का उद्धार संभावना नहीं है। कोई कितने कैसा भी ऊंचा साधक हो, कैसा भी परम सिद्ध हो, पर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेगा। और प्राप्ति के लिए मात्र वैष्णव संघ जरूरत है, वैष्णव की कृपा का जरूरत है, वैष्णव चरण धूल स्नान करना पड़ेगा। यहां पर वैष्णव जन कृपा करके पधारे हैं, आपको लूट लो, जितना लूट सको लूट लो, इनके संपर्क में आओ, मन के जितनी जितनी आपकी समस्याएं शंकाएं सब रखो, इससे महान महान विद्वान है, बड़े बड़े प्रचारक है और बड़े सिद्ध पुरुष है। अब इसे कहां पर ढूंढते हो? दर्शन कर लो, पर भाग्य खुल गया। मुझे प्रश्न हो गया लगभग 47-48 साल, दर्शन दिलों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। क्या इनका जिंदगी है, क्या इनका चरित्र है? कुछ बात भक्ति विज्ञान भारत जी महाराज, कुछ बात आचार्य महाराज जी ने क्या चरित्र है? संपूर्ण जीवन गुरु सेवा संकल्प लेकर के गुरु सेवा किया है, अपने जीवन की जो जीवन के जौवन की मस्ती को कहां मार करके, कहां मन के विकारों का संबंध दबा करके गुरु सेवा किया, वैष्णव सेवा किया, अपने नाम भगवत भजन भगवान के नाम का प्रचार करे, साधना कर रहे, कृष्ण सेवा कर रहे हैं। इसलिए लूट लो, और मैं अधिक समय नहीं लूंगा, इन्फॉर्मेशन हो गया है, इंडिकेट हो गया है, और मैं धन्यवाद दूंगे इन वैष्णव जनों को, बड़ी बड़ी कृपा की, बहुत बहुत जन्मों का पुण्य है, सौभाग्य इन लोगों का दर्शन मिला है, आप लोगों का साथ में हमारा अभिभाग्य है, ये आप लोगों के भाग्य का चिन्ह मुझे भी मिल रहा है। मूर्ति होती है जिसको जल में प्रवाहित कर देते हैं, उसे मूर्ति कहते हैं, और विग्रह नित्य सेवनीय है, विग्रह को जल में प्रवाहित नहीं करते हैं। महर्षि ने बल और बताई, हमारे भजन के बल में तीन वस्तुएं बहुत सहायक हैं, भक्त पद रज, भक्त क्षण धूली, माथे पर लगाना, भक्त पद सहूत अर्थात भक्तों का चरणामृत पान करना, और भक्तों का उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का अर्थ केवल उनकी प्रसादी जो है वो पाना ही नहीं है, इसके साथ में जो अपने मुखाग्र से जो कुछ बोलते हैं वही उनका उच्छिष्ट है, उसका भी हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। देखिए 100 ग्राम की चैन पहन करके कोई आज तक स्वर्ग में या बैकुंठ में या गोलबलंग में नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, 100 ग्राम की चैन पहन करके गई है, किंतु तुलसी जी की कंठी पहन करके सारे भक्ति वहां पर धाम में पढ़ा रहे हैं, भगवत धाम पर आ रहे हैं। एक कुत्ता था, और कुत्ते के गले में मोहल्ले में वो भौं 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 करता था, 10-25 कुत्ते हो गए, तो कुछ बार नारायण जी आए थे एक बार जयपुर में, तो वहां पर जो है वो कुत्ते भौंक रहे थे रात को 11 बजे, वहां जी कहते सोने नहीं देते कुत्ते लोग, तो उनका सेवक बोला कि महाराज जी मीटिंग करते हैं समय इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो उन कुत्तों में
डिस्ट्रिक्ट वैली उन सब उत्सवों को लाठी से पत्थर से मार सकते हैं, भगा सकते हैं, क्योंकि जिन कुत्तों के गले में पट्टा बांधा हुआ है ना, उसको आप हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, आप उठा सकते हैं, किसी की हिम्मत है आप में से उस कुत्ते को आप डंडा मारे बाल मारे भगा दें? नहीं भगा सकते, क्योंकि उम्र पालतू कुत्ता है, उसका मालिक आसपास में ही है, वह आपको मारेगा, आपके ऊपर केस दर्ज कर देगा। ठीक इसी प्रकार से जिनकी गली में तुलसी कंठी है उनको कोई नहीं मार सकता, और जिनकी गली में कंठी नहीं है तुलसी जी की, वो निश्चित समझिए उसके लिए नर्क का द्वार खुला हुआ है। विचार करें, कोटि कोटि अस्पताल बनाने का जो फल मिलता है ना, वह किसी एक जीव को भी आप भगवान के चरणों में लगा दो उससे अधिक फल मिल जाएगा। इसलिए आप संकल्प लें, हम अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने भाई माता पिता को हम किसी एक को भगवान के चरणों में लगा दें, ये बहुत बड़ी स्वीकृति होगी आपको, बहुत बड़ा पुण्य होगा आपका। इसलिए जिसकी गली में कंठी नहीं है वो अवश्य अतिशीघ्र सदगुरु के चरणों में आश्रय लेकर के और हरि भजन करें। मैं अश्वास सती गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। First of all, let me offer my most humble and respectful obeisances unto the lotus feet of my beloved spiritual master, His Divine Grace, Bhakti Prasad Vishnu Gosai Maharaj. And I like to pray His causeless mercy upon me. And I like to offer my humble and respectful obeisances to the all present acharyas and sannyasis and brahmacharis. And I like to most welcome all the devotees assembled here today. Today is very, very auspicious day that we are gathered here to hear from the lotus mouth of the pure Vaishnavas, the pure devotees of Krishna, the Supreme Master of Godhead. Hum sabhi log ekatrit hue hain is sundar Vaishnava ki sabha mein, Vaishnava ka shuddh bhakt ka मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करने के लिए। रूप सनातन ने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ली और फिर प्रणाम किया, गुरु दक्षिणा भी दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल रूप सनातन टुक द प्योर टीचिंग्स फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, देन दे ऑफर्ड ऑबिसेंसेस एंड दे ऑल्सो ऑफर्ड दक्षिणा। रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु থেকে শিক্ষা লাভ করে প্রণাম করে দক্ষিণা প্রদান করেছিলেন, প্রণাম করেছিলেন নমো মহাবারণ্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে। এভরিবডি নোজ দ্যাট, সবাই লোক জানতে হ্যায় কি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করনে কে লিয়ে আয়ে থে, अपना प्रेम प्रदान करने के लिए नहीं, राधा जी से उधार लेकर कृष्ण जी आए थे। प्रेम राधा रानी के पास जमा हुआ है, जैसे हम बैंक में पैसा जमा रखते हैं वैसा ही कृष्ण प्रेम राधा रानी के अंदर ही जमा हुआ है। All the pure love of Krishna is stored in the heart of Srimati Radharani. And Lord Krishna, the Supreme Person of Godhead, He borrowed from Srimati Radhika and He came here to distribute the flame, the prema, the love of Godhead. Asalya Krishna prema Radharani kachi jama achi. Asalya prema pradhan karar channa কৃষ্ণ স্বয়ং রাধারানী থেকে ধার নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন আর সেই প্রেম প্রদান করেছেন। সো টুডে ইজ দ্য ডে দ্যাট উই গট দ্যাট কাইন্ড অফ পারসন ফ্রম হোম উই ক্যান গেট দ্য পিওর ডিভোশন। আজ ওই দিন হ্যায় জিস দিন হম এসে বৈষ্ণব কো প্রাপ্ত কিয়ে হ্যায় জিন্হনে হমে কৃষ্ণ ভক্তি প্রদান করনে কে লিয়ে আয়ে থে, आए हैं वो है हमारे पूज्यपाद गुरुदेव
ओम विष्णु पाद परमहंस दिव्यराज आचार्य शिष्य मनोहर विष्णु गोस्वामी महाराज की ये कैसे संभव है? How is possible? कि कोई संभव संभव देखो कि भगवान कृष्ण मधुर मधुर मुरली धनी बंस बजाई और गोपियां घर में रह नहीं सकी, सब लोग निकाल के आ रहे हैं, घर छोड़कर वन में आ रही है भगवान को प्रेम प्रदान करने के लिए। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो, भीड़ से बोलो, अरे जोर से बोलो, नहीं हुआ हाथ उठा के बोलो, वेरी गुड। ब्रज गोपियां अभी महाराज जी कह रही थी गोपी मतलब प्राधान्य गोपी है, प्रधान गोपी है श्रीमती, जोर से बोलो राधा रानी। कन्हैया कहते हैं गोपियां तुम लोग घरवार छोड़ के पति पुत्र को छोड़कर क्यों वन में आए हो इतनी गहरी रात में? मुझे मालूम पड़ा कि तुम लोग हमेशा घर में ही रहती हो, वन का सुंदर शोभा कभी नहीं देखी हो, इसीलिए पौर्णमासी का रात में सभी को छोड़ छाड़ करके वृंदावन का इतना सुंदर रूप का दर्शन कर रही हो। बड़ी बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, दर्शन करके घर वापस लौट जाओ और पति और पुत्र की सेवा करो, यही सती पत्नी का धर्म है। कन्हैया हम रुकने के लिए नहीं आए। ओह अदर ब्रज गोपीज व्हाई डू यू कम लिविंग योर हाउस हस्बैंड सन्स चिल्ड्रंस? Oh, I understand and realize that you have came here to get the sweet scenery of Sri Vrindavan Dham because always you were in the house and you are busy for household activities. So today is the day that you have come here. Okay, you can have seat. You can have a beautiful darshan of Sri Vrindavan Dham, then you can go back home to your house and you be engaged in the service of your husband and son's service. सभी लोग सब फिरे चले जाओ, वृंदावनी सुंदर रूप दर्शन करे घर की स्वामी पुत्र सेवा करो। हम रहने नहीं आए हैं कन्हैया, हम तो आए हैं कि तुम हमारे दर्शन किए बिना रह नहीं सकते हो, तुम तो मर जाओगे। नहीं चाहते तो मर जाओ हमारे दर्शन किए बिना, हम दर्शन देने के लिए आए हैं, हम रहने के लिए नहीं आए हैं। देखा कैसे जवाब, प्रेम देने के लिए आए हैं राधा रानी कृष्ण को। मैं फोन करने लगा कि दिल में ना द गोपीज एडेड बाय श्रीमती राधा रानी टोल्ड ऑलराइट कृष्णा यू टोल्ड मी यू टोल्ड अस टू गो बैक होम but we didn't come here to stay here with you, we came here because you can stay for a moment without association of ours. আমাদের সঙ্গ ছাড়া তুমি থাকতে পারো না, আমরা না আসলে দর্শন না দিলে তুমি মরে যাবে, তুমি মরে যাবে কানাইয়া। আমরা চাই না তুমি মরে যাও, আমরা এসেছি তোমাদের সঙ্গ দিতে অর্থাৎ প্রেম প্রদান করতে। ঘর ছেড়ে উনি এসেছে ভগবানকে প্রেম দিতে, ঘর ছোড়ছে করকে ঘর বার ছোড়কে বন মে আয়ে হ্যায় গোপিয়া ভগবান কো প্রেম প্রদান করনে কে লিয়ে। অর দ্য গোপিস দে লেফট দেয়ার হাউস টু গিভ দ্য লাভ টু কৃষ্ণ। দেখো আমারে গুরু মহারাজ জি ঘর বার ছোড়কে বৃন্দাবন ধাম আয়ে জঙ্গল মে, जंगल में आई थी। पर गोपियां गोपियां कहती है नहीं, गुरुमास कह रहे थे राम कृपा बिना कभी ज्ञान लाभ नहीं होता है, हम कह रहे थे ना बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिना श्लोक ना सोई। तो कहते हैं ब्रज गोपियां कि राम तुम वृंदावन में रहकर कोई नई भक्ति नहीं दे सकोगे, तुम चले जाओ हिमाचल के जंगल में और हमारे गुरु महाराज जी राम प्रसाद से आए हैं इस हिमाचल का जंगल में काट के साफ करके कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए। बोलो विष्णु गोस्वामी महाराज
सच ब्रह्मचारी गुरु महाराज की गुरुदेव हाउस केप्ट इस नाम वृंदावन गोपीस दे टोल्ड हिज प्रीवियस नेम वाज रामकृष्ण कि राम यू कैन स्टे हियर टू डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण भक्ति यू शुड गो टू हिमाचल प्रदेश दे आर बिग बिग माउंटेन बिग जंगल यू शुड कट डाउन एंड यू शुड मेक इट्स वेरी क्लेज एंड देन यू पुट डिवोशन ऑफ कृष्ण देयर रामप्रसाद जी तुम्हें वृंदावन थकते ना गुरु महाराज घर बार ऐड़े दिए वृंदावन इसमें वृंदावन गोपीरा बोलें भक्ति देवर किचु नहीं तुम जाओ हिमाचल मत पहाड़ जंगले अनेक अनेक लोक पा से पहाड़ जंगल एकदम परिष्कार कर दिए से भक्ति लता बीज बपन करो सो आवर गुरुदेव ही लेफ्ट हिज हाउस एंड ही केम हियर हिमाचल प्रदेश to give devotion to the heart of all living entities here. हमारे गुरुजी घर बार छोड़ के वृंदावन आए वृंदावन से ब्रज गोपिया की कृपा से और इससे हिमाचल प्रदेश में आए और यहाँ का जंगल साफ करने के लिए आए हैं साफ करके सफाई करके हम सभी के अंदर भक्ति बीज बपन कर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि कृष्ण भक्ति प्रदायते माता पिता के लिए अरे जल्दी खाना बनाओ प्रतिदिन जाएंगे ऑफिस में फिर घर जाएंगे बच्चा हो रहा है आज आपका हर क्रिया कला आपका हर काम भगवान कृष्ण के लिए होता है मेरे गोपाल भूख गए हैं कल्याण जी बना रसोई गोपाल को भोग देना है फिर वो भोग में प्रकार उनको बच्चा खाएगा वे पत्नी बहु जाने वाले हैं कल्याण जी भोग बनाओ अच्छा अच्छा भोग बनाओ है भगवान कृष्ण को नाना प्रकार के व्यंजन भोग बनाते हैं घर बनाते हैं ना लेने के लिए चाहे हमको बीमारी हो शुगर की हम नहीं खाएंगे भगवान को थोड़ी बीमारी है शुगर की उनको तो मिस्टी बनाकर खिलाएंगे मिठाई बना नाना तो मिठाइया बनाते घर पर बनाते ना मिठाई लगाते हो भोग गोपाल जी को गोपाल जी को जो भी आपके भगवान है तो आपका जीवन बदलने वाले ऐसे महापुरुष आपके बीच में है और मैं तो कहूंगा कि जो आज तक का सब कुछ में भगवान के धाम जाना चाहते हैं वो अविलंब अतिशीघ्र बिना विचार किए ऐसे महापुरुष नहीं है नहीं है नहीं है हरे नाम हरे नाम हरे नाम अन्य केवलम करो नास्ति व नास्ति व गजरन्ना उसका अर्थ आप सब जानते हैं अब मैं आवाज या अनिल कर रहा हूँ हमारी भी ऊपर चुकर देहरादून से पधारे हुए श्रीमान भक्ति प्रसाद त्रिकोण महाराज यहाँ पधारे और अपने हरि कथा से सबको अनुरोध करें समय है 10 मिनट का समस्त सभा में उपस्थित मातृशक्ति और सभी श्रोताओं के हार्दिक अभिनंदन मैं अधिक नहीं समय लेते हुए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जरूर करूंगा क्योंकि नाउअडेज एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो अभी अभी इस पुस्तिका का विमोचन हुआ है आप सब लोग जानते हैं सो आजकल जिस युग में हम जी रहे हैं इट्स कॉल्ड द युग ऑफ एडवर्टाइजमेंट कलयुग इज नॉट द युग ऑफ कली आई थॉट इज द युग ऑफ एडवर्टाइजमेंट विदाउट एडवर्टाइजमेंट यू कैन नॉट गिव एनीथिंग जो दिखता है वो बिकता है सो आई एम शोइंग इट टू यू ये मैगजीन है श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ की प्रचार पत्रिका आप सबका बहुत बहुत सहयोग चाहिए ये पत्रिका आगे आपके घर पहुंचती रहे इसकी एक साल की सदस्यता 150 रुपए मात्र है जो बहुत ना के बराबर है बिल्कुल वार्षिक ये त्रैमासिक पत्रिका है क्वार्टरली साल में 4 पत्रिकाएं आपके पास पहुंचेगी और आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो
तो इसे मासिक करने की चेष्टा है। गुरुवर का आशीर्वाद रहा तो अवश्य हो जाएगी, गुरुदेव का आशीर्वाद भी चाहता हूँ ताकि ये मासिक पत्रिका हो जाए। हम तो चाहते हैं साप्ताहिक हो जाए, मेरी इच्छा है साप्ताहिक हो जाए ताकि वो कहते हैं ना, महाराज जी ने कहा था कि बैटरी चार्ज करने के लिए कुछ कुछ चाहिए होता है, तो ये भी गुरु वैष्णवों की संतों की वाणी ही है। ये चार्जर आपके घर में उपलब्ध करा रहे हैं, इस चार्जर को घर ले जा सकते हैं आप। तो जो भी आप सब लोग इच्छुक है वो हमारे एक बड़े गुरु भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबके अति विशिष्ट प्रिय पति प्रसाद गिरी महाराज, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि निवेदन कि वो सहयोग करें। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, नंदी वासी हिमाचल वासी उनसे संपर्क करें तो ये पत्रिका आपके पास पहुंच जाएगी। संसार में कोई व्यक्ति सुखी है या दुखी है इसको परिभाषित करना मेरे लिए मुश्किल है, परंतु फिर भी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाने की चेष्टा करूंगा कि संसार में कोई सुखी है या दुखी है। इस दृष्टांत के बाद शायद आप लोग स्वयं निर्णय कर लें कि आप सब समुपस्थित जितने महानुभाव है माता शक्तियां हैं वो सब सुखी है या दुखी है। आप सबका कोई ना कोई निवास स्थान तो अवश्य होगा, घर जिसे बोलते हैं। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है वो हाथ उठा दे। सबके पास मैं बैठ जाता हूँ, मैं तुम्हारे गिरि महाराज के पास घर नहीं है मैं जानता हूँ। गिरि महाराज तो साक्षात आश्रय में है, विश्वकर्मा, जिनके पास गोपीनाथ जी हमको घर की जरूरत ही नहीं होती, जिनके पास गुरुदेव हमको जरूरत नहीं होती। हम जैसे अभागे हैं जो कभी कभी दर्शन प्राप्त कर पाते, सेवा भी नहीं कर सकते। जिनके पास घर नहीं है वो हाथ खड़े कर दे। अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी हाथ खड़े कर दे, उसको फ्री मैगजीन मिल जाएगी, पत्रिका फ्री मिलेगी। जिसके पास पैसा नहीं है इनको दे चुका हूं, किसके पास पैसा नहीं है, सबके पास है ना पैसा, थोड़ा बहुत तो होगा कम ज्यादा, तो आप 30-30 रुपए निकाल दीजिए, पत्रिका ले लीजिए। कोई मान भाव को गोपीनाथ जी ने ज्यादा दिया है तो 150 रुपए ले लीजिए। चलिए, धन भी है घर भी है, संतान है ना, स्वास्थ्य, कोई यहाँ ऐसा है जिसको हाथ पैर नहीं है? हाथ पैर तो सबको है ना, आंख भी है कान भी है, ठीक है, यानी स्वास्थ्य भी है धन भी है घर भी है और कुटुंब परिवार भी है ना, आप लोगों का परिवार भी है ना, सबका है परिवार भी है, यानी परिवार भी है धन भी है स्वास्थ्य भी है घर भी है, तो और क्या चाहिए सुखी होने के लिए? आप लोग सुखी तो हो सब, अब तो आप सुखी हो ना कि नहीं हो? सुखी तो है ना, वो मैया सही बोलती है, बाकी सब लोग दुखी है, छोड़ दो घर बार मठ में रहो आ जाओ, ठीक है ना भाई, घर में दुखी हो दुख तो हम सुख दे रहे हैं आपको, आ जाओ मठ में, सुखी सुख है, नहीं आना चाहते मतलब घर में सुख होता है। हाँ तो बोल दो तभी मैं आगे बोलूंगा, घर है सुखी है, ठीक है ना, हाँ बोलिए, आप कहीं कर लीजिए, बाकी सब दुखी है, गड़बड़ हो गया। सुखी श्याम के दास, कौन कौन है श्याम का दास? आप सब लोग हैं, अच्छा ठीक है, तो मतलब वो लोग जिनके पास घर है बहुत बड़ा घर गाड़ी भी है मर्सिडीज बेंज, वो लोग दुखी है इसका मतलब, वो सुनेंगे ना आपसे झगड़ा करेंगे, बोले कि इतनी मेहनत करते हैं आप लोग क्या पता आपके पास तो है नहीं इसलिए चिड़के मारे बोल रहे हो। एक व्यक्ति पंगत में बैठा प्रसाद पाने के लिए, सबको प्रसाद परोसा गया, शुरू में नीम की चटनी दे दी गई, जैसे हमारे मठ में नीम की आलू और नीम देते हैं ना, बड़ा अच्छा होता है, आपने खाया आलू और नीम?
तो नीम की चटनी दे दी गई, बाकी चीजें बहुत सब चीज बनी थी, हलवा पूरी राजमा और जो जो आप सब लोगों को पसंद है सोच लीजिए। तो मेरे जैसा एक व्यक्ति बैठा हुआ था, होशियार जो समझता था अपने आप को, उसको नीम की चटनी परोसी गई, उसने नाक सिकाड़े से कर लो, ओ कैसे नीम की चटनी। मुझे जब नीम और आलू मिलता है ना, मैं सोचता हूँ हे कृष्ण कैसे पाऊं, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। बाबा जी महाराज बैठे उनको बहुत पसंद है, वो कह रहे बड़ा और ले लो। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे जैसे ने कैसे पाऊं, बाकी चीजें बड़ी अच्छी अच्छी है मेरी पसंद की, राजभा छोले भटूरे सब चीजें। तो जा गया अपनी बुद्धि से कि इस आई हुई विपत्ति को अपनी बुद्धि से सुलझाता हूं। अपनी बुद्धि पर तो सबको अभिमान है ना, विपत्तियों को सुलझाने के लिए हम किस पे भरोसा करते हैं, गोपीनाथ जी पे की बुद्धि पे? बुद्धि पे ही करते हैं। गोपीनाथ जी तो बोलते ही नहीं है, मुझे पूछेंगे तो वो उत्तर देंगे नहीं, बुद्धि तो कहेगी ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। तो मेरी बुद्धि ने भी उत्तर दिया कि तू जल्दी से चटनी खा ले कड़वी, थोड़ा कड़वा रहेगा, बाद में अच्छा अच्छा खाइयो, मुंह तो ठीक रहेगा, मुंह का स्वाद नहीं बिगड़ेगा। तो मैंने कैसे भी करके वो चटनी ऐसे नाक बंद करके खा ली, बड़ा मुंह खराब हुआ। और जैसे ही सोचा अब तो घुट ली, अब अच्छा खाने को मिलेगा, जो परोस रहा था उसने कहा कि महाराज आपको पसंद आई, एक भरे चम्मच और डाल भर दिया। ऐसे ही इस संसार में हम सब लोग, ये जो माया देवी है ना, हम सब लोग को ये चटनी परोस रही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन हमें बिंदु उपनिषद। और हम सब लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं अब हम ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये कर देंगे सुखी हो जाएंगे, अब हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आप जितनी अपनी तार्किक बुद्धि लगा के उस संसार के विषय विश्व रूपी चटनी को खाना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो दुखों को, वो और परोसती रहेगी। तो फायदा किसमें है? अपनी बुद्धि का त्याग कर दो। बुद्धि तो माइक है, एक माइक ये है, एक माया जनित माइक, बुद्धि माइक है, माया के द्वारा कैप्चर की हुई है। तो उस बुद्धि की सुनो ही मत। किसकी सुननी है? गुरु वैष्णवों की सुननी है, साधु की सुननी है, शास्त्रों की सुननी है। तो अधिक समय ना लेते हुए केवल थोड़े शब्दों में ये कहने की चेष्टा की गई कि यदि वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो आपको भगवान की साधु की शरण लेनी ही पड़ेगी, उनकी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। तभी तो कहा कलम नास्ते में नास्ति एक गतिर अन्य था, कोई उपाय नहीं है। अंतिम बारी कहा जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, जरूरी होती है, उसको बार बार कहते हैं सुनो भैया संभाल के ले जाना, फिर कहते हैं सुन लिया ना संभाल के ले जाना, फिर निकलता है ठीक से रख को नहीं, बार बार जोड़ देते हैं। इसीलिए साधु शास्त्र बार बार जोड़ देते हैं, नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्य था, और कोई गति है नहीं। पति से कभी ये कहते हैं कि मुझे आप साड़ी गहना पटाश पूरा सोना चांदी मकान बना दे, शायद कोई भी ऐसी महिला होगी वो ऐसा कहती होगी, वो चाहती है मुझे अपने पति का प्रेम मिल जाए। और प्रेम में सब कुछ आ गया, जब पति का प्रेम मिल जाएगा आपको तो वो ऐसा निष्ठुर नहीं है जो आपको सब कुछ मिलाकर ना दे बिना मांगे। बिना मांगे आपको मकान भी देगा, वस्ती भी देगा, आभूषण भी देगा, ठीक है ना, बिना मांगे देगा। इसलिए भगवान भी अपने भक्तों पर इतने दयालु है कि आप कष्ट को वो सहन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु का ही सब समय हमें नाम जप करना चाहिए और प्रभु का जो प्रेम है वह प्राप्त करने के लिए हमें सदैव चेष्टा करनी चाहिए। अब अंत में आज की महासभा के अंतिम वक्ता के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय मठ के जो सेक्रेटरी हैं श्रीपाद भक्ति प्रसाद गिरि महाराज, जो हमारे दृष्टि हैं, उन्होंने ब्रज से आकर के इस पहाड़ी इलाके को ब्रज बना दिया है, सबको विश्वास में लगा दिया है कि आप जो गौड़ीय मठ के सेक्रेटरी हैं और जितने भी समस्त मठ हैं
इस संस्थान के उन सबकी परिचालना भी आप ही करते हैं। ये आज दिव्य अगस्त साल के जो मठ में आप जो बैठे हुए हैं उसमें सहयोग नहीं मैं कहूंगा बल्कि सारा श्रेय आपको जाता है, आपके ऊपर आपके गुरुदेव की पूर्ण कृपा है। उस कृपा का ही परिणाम है कि आज इतना सुंदर मठ का निर्माण यह कर सके हैं। श्रीपाद भक्ति प्रसाद गिरी महाराज से बैठे होंगे, वह अपने वक्तव्य को आरंभ करें और 10 मिनट में कथा शेष करें। हरे कृष्ण। नमन विष्णु पादाय श्रीमान श्रीमते भक्ति प्रसाद विष्णवे यते नमः। शमगुण चरित्राय गौरवाणी प्रचारणे भागवत कथा रसवादनाय श्री गुरवे नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय संवर्धन शास्त्रमते श्री श्री राधा शील गोविंद देव प्रणामामि प्रभवे नमः। पांचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मैं सबसे पहले परमाधर्म पतित पावन भगवान के अनन्य प्रकाश विग्रह भगवत सेवा प्रदान करे श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मंदिर संस्था भगवाचार्य वर्ग ओम विष्णु पार्थिवत भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें गहित की प्रार्थना करता हूँ एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के यथाय सम्मान करते हुए उनकी अहित की प्रार्थना करता हूँ। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन राधा गोपीनाथ जीव की जय श्री गुरु महाराज की जय वैष्णविंद की जय जय श्री बैठना कुछ वैष्णव नहीं आ पाए वो मेरा दुर्भाग्य। सब वैष्णव का आशीर्वाद जरूर है पर उसका पात्र नहीं हुए, वो पात्र हूं। मेरे को बैठा नहीं आती है, वैष्णव जबरदस्ती करते हैं पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कल भी कुछ बोलना है ना, सारे आज बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कल आएंगे नहीं। विशेष प्रोग्राम तो यह है कि वैष्णव लोग अपना कीमती समय हम लोग को देने आए, हमारे ऊपर कृपा करने आए। मैं आप सब हिमाचल वासियों को ये प्रार्थना करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा खुद आए, अपने पड़ोसियों को पकड़ के लाए। आप बोले महाराज आन जो तो समझ आन नहीं कि क्या बोले आप, पर हमारे शास्त्र बोलते हैं कि भगवान की कथा चाहे इंग्लिश में हो, चाहे वो बंगाल में बंगाली भाषा में हो, चाहे उड़िया भाषा में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे जर्मनी भाषा में हो, आप सुनोगे सुनने मात्र से मंगल करेगी, उसमें कोई सुधराय नहीं। समझ में नहीं आ रही सिर से निकलने पर सुनो, संतों के दर्शन करो, दर्शन मात्र से मन में। आप लोग सच बताओ आज संतों के दर्शन किए कैसा लगा है? ऐसे संत पहले देखे थे तो मेरे में देखते रहते थे रोटी राम को, सब लोग बोलते महाराज आजकल कम खाओ। बोले कम कैसे खाऊं, बहुत आ रहा है तो खाके खत्म करने की इच्छा है पर और दे रहे लोग खत्म ही नहीं कर पा रहा। पर संतों के दर्शन मात्र से मन में प्रफुल्लित आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद कहीं मिला ना
वो आनंद आप लोग अब लूट लो। आज से कल से ही वैष्णव हम लोग दर्शन दे रहे, सेवा का मौका है, वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों के दर्शन। मैं तो पहले ही बोला था नवंबर में कि मौका बार बार नहीं मिलेगा, अब पता थोड़ी है कि कल हमारी सुबह होगी कि नहीं है। प्यागा मॉर्निंग गई थी कोई पता थोड़ी है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी आके। आज तो मैं जल्दी छोड़ रहा हूं क्योंकि हमने जाना भी है ना नदौड़ की नगर संकीर्तन में, वो नगर संकीर्तन करना है। पहले अभी प्रसाद खाएंगे, सब भक्त लोग इधर, ओनली साधु लोग इधर, वैष्णव लोग इधर खाएंगे। नहीं तो क्या करते हैं, वैष्णव लोग बाद में रहते हैं, भक्त भक्त खा के भाग जाते हैं, भले पापों को बचे ना बचे, भले पहले सटक लो। इसलिए हमने दो बार व्यवस्था कर दी, बोले तुम इधर खाओ उधर जाओ, हमारे सब इधर खाएंगे अपने घर में घुसेंगे। हाँ हमने देख लिया बार इतने साल से, अब हमने गड़बड़ कर दिया, तुम इधर हम इधर, देखते कौन ज्यादा जल्दी खाता है। तो उसके बाद नगर संकीर्तन में जाना है नदौड़ में, विशेषकर दंगड़ी वाले तो जाएंगे ही जाएंगे, जो हमीरपुर से आए वो भी जाएंगे, और आज तो मेहनूज से भी आए कुछ जन, मेहनूज हंडेरे से आए ब्राह्मण लोग। हाँ आज आगे ना कल नहीं आएंगे, हमको पता है क्योंकि कल व्रत है, ब्राह्मण को पता है कल व्रत है, कल नहीं आएंगे वो, आज ही आए। बोला हरे कृष्णा है, अरे वो थोड़ी लोगे जो आज मिलेगा महाराज, वो अच्छा थोड़ी सी भात थोड़ी मिलना, माणी थोड़ी मिलनी कल, जो भी है कल भी आए। कल ठाकुर जी का महाभिषेक, राधा गोपीनाथ चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु के भाई भी उनसे मिलने आ गए, बोला अकेला तू क्या करेगा, मैं भी आ रहा हूं। तो उनका कर्म प्रतिष्ठा है, और बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा जी छोटे छोटे थे ना, तो जो कोई गोदी में उठा के भाग लेता था, उसने बोला ये तो काम गड़बड़ है, जो लेता है वही उठा के भाग लेता है। बोले रुक जाओ मैं मोटा मोटा होके आ रहा हूं। अब जो जगन्नाथ जी आए वो डेढ़ डेढ़ क्विंटल का आया, अब उठा के देखा गया, कल मालूम पड़ेगी कितने पहलवान। तो कल से तैयार होके आना है, अगर उठाने का मौका मिले तो दो घी, दो दो किलो घी भी किया जाना, और ना पी सके तो ले आना, भवन में लगना है। हमको पता है तुम पे तो पचेगा नहीं, पर हम पचा देंगे, ले आना। कल हवन होना है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, उसके बाद तुरंत बाद यहां प्रतिष्ठा का काम शुरू हो जाएगा, वैष्णव लोग के करकमलों से होगी, हम लोग बस दर्शन करेंगे। अगर सेवा का मौका मिले तत्पर रहना है, कौन सी सेवा कहां मिल जाए। उसके बाद अभिषेक के बाद, पहले प्रतिष्ठा फिर अभिषेक, अभिषेक के बाद भगवान को भोग, और भोग के बाद ही पट खुलेंगे, जो कि हमको आशा है भगवान कैसे लगेंगे इसमें मंदिर में भव्य में लगेंगे कैसे, तो वो देखने के लिए सब लोग आए, और सब पड़ोसी को पकड़ के ले आए, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाए। कल बढ़िया प्रसाद मिलेगा, घबराना नहीं। हाँ कोशिश करना अपने घर से भगवान को अभिषेक के लिए, गुरुदेव का आदेश है, दूध और दही ले आए, ज्यादा तो चाहिए नहीं हम, क्योंकि महाराज ने पूछा था गरीब और पैसे वाला है, हम तो पैसे वाले है नहीं, हमने सच हाथ उठाया था, पर सब जबरदस्ती बोलते हैं सारा पैसा इसके पास है, सारे संत हमको ढूंढते पता नहीं पैसा, जो भी है फिर बोल रहा हूं भाई हम तो गरीब आदमी है, कल ठाकुर जी और दूध और दही घी की जरूरत है, क्योंकि अभिषेक होना है, ज्यादा नहीं एक एक क्विंटल लिया ना अपने घर से तो अभिषेक कर देंगे। आप बोल रहे महाराज जी के क्विंटल से ठाकुर जी को निलाओगे सब तुम्हें पियोगे, बोले हमको तो 100 ग्राम ही मिलेगा, बाकी तो दोस्तों को वही ओग लगा के पी जाना। तो कल आ जाना, दूध दही घी सह शक्कर ले आना, और अकेले नहीं आना जे ध्यान रखना। और कल अगर ऑफिस है तो बड़ा सा चिट्ठी आज रात को लिख देना, मेल कर देना, आजकल तो मेल का जमाना है, ना ना कल छुट्टी ना है महाराज हिमाचल में, आज है ही रामनवमी सरकारी, कल प्राइवेट है।
सरकारी लोग आज मना रहे हैं, तो प्राइवेट कल है तो कल नहीं मानी जाएगी रामनवमी, तो कल नहीं आप लोगों ने आना है। और मेरा समय भी हो गया, अभी घंटा बजा दे बाबा, फिर उससे पहले भी देखो बोलो हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो मैं फिर बाद में बोल रहा हूँ, वैष्णव लोग बहुत दूर से आए, कल गुरुदेव महाराज जी से मिले, भारती महाराज जी से, वो महाराज जी से पूछा कैसे है महाराज, मैं कहा जंगल में बुला लिया मेरे को, और बार बार जंगल को ही बोला जा रहा है, इसलिए जंगली को अब जंगल को हो ही गए हम लोग, जंगली को सिद्ध कर दिए साधुओं ने, पर इतना भी मत सोच लेना कि जंगली है, जंगलियों का उद्धार करने आएंगे लोग, किसी ने बोला झाड़ू लगाने आए, अब जंगल तो साफ झाड़ू से ही होगा, तो वो मौका बार बार नहीं मिलेगा। संतों के दर्शन स्पर्श भजन पूजन कर लो, बाकी का पता नहीं, क्योंकि गुरुदेव के बड़े गुरुवाही और आज से नहीं पूरा जीवन मठ में निकाला है, वैष्णव जितने भी वैष्णव दर्शन कर रहे हो यहाँ पे भी नीचे ऊपर बैठे, क्योंकि स्टेज छोड़ तो नीचे बैठ गए, तो आप लोग लाइव प्रोग्राम अगर देखना है एज टूडे में रात को 8 से 10 देख सकते हो, सबके दर्शन कथा सुनने को मिलेगी 8 से 10 जो लोकल है एज टूडे में, और सुबह 4 बजे से 6 बजे तक देख सकते हो, क्योंकि 6 बजे बाद खबर है ना, इसलिए हमने बोला 4 बजे से 6 बजे तक दिखाओ, तो देख सकते हो। और यूट्यूब पे देखना है तो गिरि महाराज के नाम से रिसर्च करना, उसमें आपको यूट्यूब पे ये सारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, या एस टू डी वीडियो नोट करोगे तो हो जाएगी। बाकी का आप लोग प्रोग्राम में सहयोग करना है किसी का, सबसे पहले मैं तो लोगों में बोला था मेरे को ना धन धन चाहिए, क्योंकि धन तो जरूरत है ही नहीं है, जो जरूरत थी हो गया, अब आप लोग की जरूरत है, आप लोग ने ज्यादा से ज्यादा आना, नहीं तो महाराज लोग बोलेंगे क्या दो चार आदमी बैठ की कथा सुनो, ऐसा मत करना, तो कल ज्यादा से ज्यादा आना है, ठाकुर जी की सेवा उठानी है। फुल वृंदावन बिहारी लक्ष्मी ठाकुर महाराज की कथा बिना जीव की जय जय श्री राम। हम नगर में जाना नगर संकीर्तन में, उससे पहले आप लोग प्रसाद खाके जाना, बढ़िया बात बनाए समस्त व्यस्त भक्त बंगाली लोग ऐसे चाल नहीं करते, थोड़ा सा कल देख बाली लोग हिंदी मजा भी खाना खाने के लिए बैठे हूँ।